रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यह कहानी है उस लड़की की जिसे 2.5 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उसको डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया था कि अब वो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती है, और उसका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ। पर गरीबी जिसके हौसले को नहीं तोड़ पाई, जो 11 साल की उम्र तक बिना ब्रेस के चल नहीं पाई। विल्मा, जिनका जन्म 1939 में अमेरिका के टेनेसी राज्य के एक कस्बे में हुआ। विल्मा के पिता रुडोल्फ कूली थे, माँ सर्वेंट का काम करती थी। विल्मा 22 भाई बहनों में 19वें नंबर की थी और बचपन से ही वे बेहद बीमार रहती थी। 2.5 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया था। उन्हें अपने पैरों को हिलाने में भी बहुत तकलीफ होती थी, दर्द होता था। बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ ने बेटी को संभालने के लिए अपना काम छोड़ दिया और उसका इलाज शुरू कराया। विल्मा का मनोबल बना रहे इसलिए माँ ने उन्हें स्कूल भेजना शुरू कर दिया। माँ उसे हमेशा अपने आप को बेहतर समझने के लिए प्रेरित करती थी, और 5 साल तक इलाज चलने के बाद विल्मा की हालत में थोड़ा सुधार हुआ और अब वो एक पांव में ऊंचे एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी। डॉक्टरों ने उसे बास्केटबॉल खेलने की सलाह दी। विल्मा का इलाज कर रहे डॉक्टर KMV ने कहा था कि विल्मा कभी भी बिना ब्रेस के नहीं चल पाएगी, पर माँ के समर्पण और विल्मा की लगन के कारण विल्मा ने 11 साल की उम्र में अपने ब्रेस उतार कर पहली बार बास्केटबॉल खेली। यह उनका इलाज कर रहे डॉक्टर के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब यह बात डॉक्टर KMV को पता चली तो वो उनसे मिलने आए और उन्होंने उससे ब्रेस उतारकर दौड़ने को कहा। विल्मा ने फटाफट ब्रेस उतारा और चलने लगी। कुछ फीट चलने के बाद वो दौड़ी और गिर पड़ी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसको खुद पर विश्वास था। विल्मा ने ठान ली कि वो खुद को मजबूत बनाएगी। इसके बाद विल्मा की माँ ने उसके लिए कोच का इंतजाम किया। विल्मा की लगन और संकल्प को देखकर स्कूल ने भी उसका पूरा सहयोग किया। इसके बाद विल्मा पूरे जोश और लगन के साथ अभ्यास करने लगी और विल्मा ने 1953 में पहली बार अंतर विद्यालय दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में वो आखिरी स्थान पर रही। विल्मा ने अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने दिया। उसने पूरे जोर शोर से अपना अभ्यास जारी रखा। आखिरकार 8 असफलताओं के बाद 9वीं प्रतियोगिता में उसे जीत नसीब हुई। इसके बाद विल्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करती रही, जिसके फलस्वरूप उसे 1960 के रोम ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। ओलंपिक में विल्मा ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीते। इस तरह विल्मा अमेरिका की प्रथम अश्वेत महिला खिलाड़ी बनी जिसने दौड़ की 3 प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीते। अखबारों ने उसे ब्लैक गेजल की उपाधि से नवाजा, जो बाद में धुरंधर अश्वेत खिलाड़ियों का पर्याय बन गई। वतन वापसी पर उसके सम्मान में एक भोज समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पहली बार श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों ने एक साथ भाग लिया, जिसे कि विल्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानती थी। आखिर में एक बात विल्मा ने हमेशा अपनी जीत का सारा श्रेय अपनी माँ को दिया। विल्मा ने हमेशा कहा कि अगर माँ उसके लिए त्याग नहीं करती तो वो कुछ नहीं कर पाती। यह कहानी सुनकर हर कोई प्रेरित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।